ग्राम या गांव के बाला बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हाई कोर्ट का भी आया है फैसला, उसमें सारा कमेटी को ही ध्वस्त कर दिया गया है। आप भी अपने पूछ लीजिएगा, पूर्वजों से पूछिएगा, हम भी अपने पूर्वजों के साथ उस दौड़ को देखें। संसद भवन के साथ हजारों साधुओं के साथ जब बैठे हुए थे, अरुण हथे साधुओं पर गोली चलाया गया था, आप उस समय देखते थे कि मुक्त करो का जय घोष होते रहता था। नमस्कार, मैं गया बोधिया से राजेश कुमार। वर्तमान दौर में धर्म ये धंधे की भी बात पूरे देश कर रही है, लेकिन हम उस शब्द को याद करेंगे कि जब गांव के गलियों में एक शब्द गूंजा करता था कि हर ग्राम या गांव के बाला बच्चा बच्चा राम है। हम लोग बहुत पहले बराबर हम लोग दोहराते थे इसको। जी, बराबर दोहराया जाता था। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो हम उस राम को खोजते हैं, हर घर घर में खोजते हैं, हर बच्चा बच्चा में, और जो बच्ची है उसको देवी के रूप में मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कविता अब जो है धूमिल हो गया, गांव के गलियों में अब आने वाले हमारे जो बच्चे वो नहीं सुन पाते। हम लोग तो सुनते थे, अब हम भी भुला गए। क्या अब आपके गांव या जो लोग हैं वो इस कविता को कभी? दुर्भाग्य है कि जब अरवाचीन हो जाते हैं हम लोग, मेकाले पद्धति से तो जान ही रहे हैं कि जब से अंग्रेज आया तब से हम मेकाले पद्धति के बीच में ही उसी के चंगुल में पढ़े। गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया, गा से गधा पढ़ा दिया गया हमको, कि नहीं उस राम को भुला गए, उस सीता को भुला गए। तो मठ की जो गरिमा है, उस गरिमा को किस रूप में वर्तमान में देखेंगे? धार्मिक न्यास बोर्ड का कहना है कि अध्यक्ष रमेश गिरी ही हैं, और रमेश गिरी बोधिया के महंत हैं, और शायद वो अब बोधिया में नहीं रह रहे हैं, उनको भगा दिया गया, जो भी कारण है। लेकिन उस धर्म का क्या होगा जिस धर्म के लोग रक्षक करने की बात करते हैं और उसकी सिपाही? ये तो कानूनियन दाव पेच है। अब ऐसे राजेश जी आपको विदित होगा कि अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का भी आया है फैसला, उसमें सारा कमेटी को ही ध्वस्त कर दिया गया है। और बोधिया का परंपरा रहा है राजेश जी, आप भी अपने पूछ लीजिएगा, पूर्वजों से पूछिएगा, हम भी अपने पूर्वजों के साथ उस दौड़ को देखें कि आज नहीं, हरिहरगिरि जी महाराज के वक्त में भी कृष्णयालु जी को जब जर्जर हालत हो गया था तो उनको फिर बैठा करके उसी समय उनके जीवित अवस्था में ही वहाँ पर गद्दी पर आसीन कराया गया था हरिहरगिरि जी महाराज को। इसी क्रम चलते 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 सदानंद गिरि जी महाराज के साथ हुआ ही घटना कि सदानंद गिरि जी रुग्ण अवस्था में आ गए, बीमार पड़ गए, स्वर्गवास कर गए, तो फिर उनको जा करके उनके जगह पर धनसु गिरि जी महाराज को बिठाया गया। मगर उनका तांडव इतना चला मठ के अथी में जैसे अभी चल रहा था, रमेश गिरि जी, ओम भारती, कुछ तथाकथित लोग, हमारे ऐसे ऐसे छोट भैया नेता जो कांग्रेस को आज उदितमान हो रहे हैं, वो अपना पुरातन को नहीं देख रहे हैं कि जब करपात्री जी महाराज संसद भवन के साथ हजारों साधुओं के साथ जब बैठे हुए थे, अरुण हथे साधुओं पर गोली चलाया गया था, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इंदिरा गांधी जी जब दर्शन करने गए थे तो एक गौ माता बेचारी फड़फड़ा रही थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसे गोली से अति करवाया गया था, हत्या करवाया गया था। हम लोग ये बोधिया पर बात करें क्या? हाँ, तो उसी पर आ रहे हैं हम, पुनः आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे कांग्रेसिया कल्चर रहा इस देश में, मिकाले पद्धति से तो गुजर ही रहे हैं, कांग्रेस भी दूसरा मिकाले बन करके यहाँ पर काम करते हैं। हम लोग का तो कल्चर रहा है कि भाई मठ मंदिर बचे, ये भोला मिश्रा का बाप का जागीर नहीं, मगर हम उसका परंपरागत कुल पुरोहित के रूप में हम लोग हैं, एक सिपाही के रूप। हाँ, ना पुरोहित के रूप में हैं, जैसे अमवा हो गया, बकराउर हो गया, जितने ब्राह्मण समाज हैं सब उसके परंपरागत खानदान दर खानदान हम लोग पुरोहित हैं। अच्छा, और उस धरोहर को सोचते हैं कि भैया बैठा बचा रहे, कहे कि उसका नमक हमारे हर ब्लड हर खून के एक एक कतरा में समाहित है। कैसो महादेव नाथ, भवा भूत नाथ, खजवती जानी बिघा, ये सब मठ मंदिर बचा रहे, सनातन बचा रहे, यही लेकर के हम लोग फिर इसको अति पर आए हैं हम लोग।
कि भाई रमेश गिरी जी को भी इस तरह से ऑक्टोपस अष्टपदी जानवर के तरह उनको घेर लिया गया था। और अनाप शनाप देख ही रहे थे आप राजेश जी आए दिन, कटोरवा कहाँ कहाँ सारा चीज़ आपका मालूम होगा। कहा कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता है वहाँ कभी पहुँचता है। आप मीडिया के लोग हैं, आप हर जगह देखते हैं। और हम जानेंगे कि कई लोगों का यह भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो पुराने आपके जो संघ में हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि वर्तमान दौर में मठ जो है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का अड्डा बन गया था, और उसमें जो संघ के जो लोग हैं जो काफ़ी दिनों से संघ जो प्रचारक रहे हैं उनका भी एक तरह से दरकिनार लोगों ने कर दिया, और संघ की बदनामी भी। प्रचारक कभी रहा नहीं, जिस बिंदु को आप टच कर रहे हैं श्रीमान, कभी प्रचारक रहा नहीं। मगर हाँ भाई, हम हैं, आप हैं, सब हैं, सबको शाखा जाते थे, सबको नमस्ते सदा वत्सल्य वा त्रिभूमि करते थे हिंदू के नाते भाई। मगर उन्हीं लोग के द्वारा जिस तरह से रौंदा जा रहा था, आप देखे होंगे मठ में प्रवेश किए होंगे, तब एक बार के घटना है हमारे साथ कि अपने सिख संगत के कुछ बंधु लोग आए हुए थे तो गुरु नानक जी पर एक बाइट बना रहे थे। उसी क्रम में वो अति था कि से बोध गया, मठ को भी लेना था, कहा कि गुरु नानक देव आए थे यहाँ भी माथा टेके थे। उसी क्रम में हम उन बंधुओं को लेकर के जाए गए, मगर कुछ तथाकथित लोग मठ के तल्ला पर से जाकर के अनाप शनाप अंड संड बोलना शुरू कर दिया। हम श्रिष्टा में देखें कि गंजेड़ी लोग के अड्डा है, आपका धरोहर है, समस्त हिंदू परिवार का है, अगर उसका एक भी ईंटा हिलता है तो समस्त हिंदू परिवार का हिलता है, सभी को दर्द होना चाहिए। बोधगया में अगर बोधगया मठ है तो हम समस्त हिंदू परिवार हैं, और नहीं तो हिंदू विहीन हो जाएंगे यहाँ। एक सवाल और, आप तो चूंकि बीटीएम सी से भी आपका लगाव जी, जी 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 बीटीएम सी या बोधो के भी एक जी, जी हम लोगों ने देखा जी, हाँ देखे हैं, खूब बढ़िया से देखा होंगे कि बोधो का मंदिर बोधो के दे दिया जाए सनातन और बोध का, ये चर्चाएं आपसी विवाद चला, टकराव विरोध किए उसको भी हम लोग विरोध किए। आप देखते हैं किस रूप में आप देखते हैं? हम लोग तो देखते हैं कि भाई हमारा नौवां अवतार है भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के नौवें अवतार, और उस समय भी देखे होंगे आप राजेश जी, उसमें हमारे जिला पदाधिकारी राजबाला वर्मा जी थे, उसमें हम लोग प्रसाद वितरण वगैरह, अपने पूर्व विधायक हमारे बालिक राम जी वगैरह सब थे, सब कोई के साथ में बैठ करके बुद्ध प्रसाद बांटते थे, और बराबर इसको हम जीवित रखे कि भैया आप मानते हो। लेकिन नागपुरियन वाले जो लोग आते थे, हाँ तथाकथित तो लोग तो कुछ अति करते थे भाई, मगर हाँ बड़ी कष्ट के तब चरम सीमा पर पहुंच गया था सनातन धर्म और बुद्ध को, हाँ एक विवाद का घेरा, हाँ इन लोग तो भाई बड़ी अनाप शनाप बोलता है, सब चीज किया, जा करके मातंगी में देवता देवी के तोड़ा, धर्मारण में जाकर के बजरंग बली के नाक मुंह तोड़ दिया, वहाँ पहाड़ी पर वहाँ है अष्टभुजी। इससे हम लोग इनकार कर सकते हैं कि इस तरह के नहीं हुआ है बोधिया में कि मैंने बौद्ध और हिंदू के बीच में आपसी किस तरह का संघर्ष है, क्या कीजिएगा ना, सब्जी का है हमारा परिवार, मगर जब कर देता है, जब एकदम सीमा रेखा पार कर जाता है तो राजेश जी को भी गाली दे देता है, भोला मिश्रा को भी गाली देता है, तो क्या करें, अपने समाज के हैं मगर इसमें लोग लगे हैं। अच्छा, अब इनका जो विचार थी कहीं ना कहीं ये शायद मुद्दे से भटक गया है रास्ता, ना कभी नहीं भटका है, आज भी हम लोग लगल हैं उनको, कुछ लोग का कैसा, चाहे वो नागपुर में रहें भाई साहब, चाहे बोधिया में रहें, हर जगह हम लोग अपना संबंध स्थापित किए हैं, और बड़ी कुछ अब राजेश जी अब अनुकूल वातावरण हुआ है। आप उस समय देखते थे कि मुक्त करो का जय घोष होते रहता था, अब तो देख रहे हैं इधर 10-15 साल से कि बड़ी पीसफुल चल रहा है कार्य, कि ज्ञान की भूमि बोध गया और सनातन धर्म का जो मठ है सर्वधर्म संगम का संदेश दिया करते थे लोग, यहाँ से सर्वधर्म संगम की बात होती थी, लेकिन अब इस मठ और मंदिर में एक दिवेश उत्पन्न करने की बातें होती है। मठ पर जिस तरह का अभी लोगों का दावे चल रहे हैं कई महीनों से कि महंत वो हैं, तो धार्मिक न्यास बोर्ड के कहना कि महंत कोई और हैं, सिस्टम कुछ और कहता है, लेकिन इसमें जो फिलहाल में जो कांग्रेस के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि ये आरएसएस के जो संघ के लोग हैं इनके द्वारा एक चाल रची जा रही है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, जिस पर कई संघ के लोगों ने भी आपत्ति जताई कि नहीं, जो भी कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया ये सरासर गलत है, और हमारे साथ यहाँ के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो संघ का संचालन करते हैं इनसे भी हमने बात किया,
इनका कहना है कि ये बेबुनियाद है, निराधार, इस तरह का कांग्रेस के पेशा रहा है, पुराने दौर से इस तरह का टीका टिप्पणी करता रहा है। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे अपने दर्शकों को या हमारे जो संघ के जो नेता बैठे हैं कि गांव में की जो कविता थी, बच्चे जो जानते थे कि हर गांव हर घर के बच्चा है, इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इस कविता को हम लोग भी बहुत प्यार से सुनते थे और गुनगुनाते भी थे, लेकिन अब बरसों के बाद इस कविता के लोगों ने याद दिलाई तो मन के कई ऐसे थे जिनको आज समा गया कि नहीं लगता बहुत पीछे हम लौट आए हैं। लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी, हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद उनके कानों में यह कविता अब नहीं गूंजती है, उनके कानों में अब फिल्मी स्टाइल और भोजपुरी गाने जो है गीत है डीजे का वो खूब गूंज रहे हैं।